नियोजन को लेकर धुआंधार बैठक। बीसीसीएल दही बड़ी 12 परियोजना से आउटसोर्सिंग कंपनी सद्दाव के चले जाने के बाद नई कंपनी आने की उम्मीद में यहां का स्थानीय बेरोजगार मजदूरों को फिर से एक उम्मीद मिला है। इसी संदर्भ में दिन सोमवार को मासस एवं माले के बैनर तले नेता एवं कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित युवाओं के साथ एक अहम बैठक किया। मौके पर आगम राम ने बताया कि बहुत जल्द दही बड़ी परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी हनुमंत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का नाम से आ रहा है। बैठक के दौरान कई निर्णय लिया गया। साथ ही आने वाली कंपनी के प्राथमिकता के अनुसार सद्दाब के पुराने मजदूर एवं स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। का जो आप लोगों का प्रदर्शन किस मुद्दे को लेकर रहा? आज जो यहाँ बैठक रखा गया था, ये मुख्य रूप से जो यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी आने वाली है, आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन के सवाल पर यहाँ के जो विस्थापित हैं अगल बगल के गांव के, जिनका जमीन गया हुआ है, और इसके पहले जो सद्भाव कंपनी चलता था उसमें जो मजदूर कार्यरत थे, उन मजदूरों का नियोजन की गारंटी को लेकर कंपनी से के पास हम लोगों का यही मांग है कि जो पूर्व में कार्यरत मजदूर थे और जो यहाँ पर विस्थापित हैं, जिनका जमीन गया हुआ है, वैसे तमाम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नियोजन दिया जाए, और इसके बाद भी अगर नियोजन का ज़रूरत पड़ता है तो अगल बगल के ग्रामीण जितना युवा बेरोजगार हैं तमाम लोगों को नियोजन दिया जाए। अभी यह कौन सा कंपनी आ रहे हैं? यहाँ पर एक हनुमंत कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी आ रही है जैसा सुना जा रहा है, और वो अपना काम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। उनको टेंडर मिल चुका है और टेंडर की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द काम शुरू करने वाले हैं। क्षेत्र में ऐसा एक चर्चा है कि सद्भाव कंपनी नाम बदल कर हनुमंत के नाम पर आ रहा है, ये कहां तक सत्य है? हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों को विस्तृत जानकारी नहीं है कि सद्भाव ही नाम बदल लिया है या क्या है, इसके बारे में तो अभी नहीं बताया जा सकता। सद्भाव का ही लोग देखा जा रहा है ऐसा चर्चा है? सद्भाव अभी सुन रहे हैं कोई, माने पहले जीतू राणा यहाँ पर काम करते थे और वही फिर से यहाँ पर आके साफ सफाई ये तमाम काम इसका उठाने का ये सब सारी चीज़ कर रहे हैं, और कंपनी वही है कि क्या है इसके बारे में अभी भी हम लोगों को जानकारी। भागा हुआ आदमी फिर से आ रहा, क्या लग रहा है? देखिए बात यह है कि वो जो पुराना कंपनी था उसका बीसीसीएल के साथ विवाद था। बीसीसीएल का कहना था कि वो हमारा टारगेट पूरा नहीं कर पाया, और इन लोगों का कहना था कि बीसीसीएल हमको ज़मीन नहीं दे पाया। उसी विवाद के चलते इसका माने बहुत बहुत दिनों तक धनबाद आरएलसी के यहाँ भी मामला चला, जिसमें हम लोग खुद जाते थे, हम भी जाते थे, यहाँ के मजदूर साथी भी जाते थे, और लास्ट में वहाँ पर फैसला हुआ कि कंपनी अब वहाँ पर काम नहीं करेगी, और कंपनी का जितना मजदूरों का बकाया है, चाहे एसपीसी का जो वेजेस का एरियर है या उनका बोनस है या ग्रेचुटी है, पीएफ, तमाम मुद्दों पर फैसला हुआ, और लास्ट में भी फैसला हुआ कि कोई भी कंपनी आता है तो बीसीसीएल का ये प्रयास रहेगा कि जो पूर्व में कार्यरत मजदूर थे और जो विस्थापित हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर नियोजन दिया जाए। धन्यवाद। ये तमाम मुद्दों पर आपका आरएलसी के अंग बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबरों को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।